किसने को बीते हुए अभी एक महीना ही हुआ है, बहरहाल आज हम आपको किस करने से हुई कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि सेलिब्रिटीज आमतौर पर पब्लिकली किस करना अवॉइड करते हैं, पर कभी कभी कैमरा भी कुछ ऐसी चीजें कैप्चर कर लेता है जिससे अगले ही दिन वो हेडलाइंस बन जाती है। ऐसे बहुत सारे किस्से रहे हैं जिनमें से हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं द लेजेंड हिमसेल्फ मिस्टर अमिताभ बच्चन और उनकी वाइफ जया बच्चन के बारे में। एक बार एक अवार्ड फंक्शन में अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को सभी के सामने किस कर दिया। जी हाँ, वहाँ तमाम सेलिब्रिटीज मौजूद थे और इन सेलिब्रिटीज में एक नाम रेखा का भी था जो ना चाहते हुए भी इस कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई। इन दैट अवार्ड शो अमिताभ बच्चन गॉट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और शायद इसीलिए ही अपनी खुशी का इजहार उन्होंने अपनी वाइफ के साथ कुछ इस प्रकार किया। अगला नाम जो सामने आता है वो है बिग ब्रदर सीरियल की विनर रही शिल्पा शेट्टी का। एक बार शिल्पा शेट्टी गई गोपीनाथ देव टेंपल, वहां पर उन्होंने पुजारी से पूजा कराई और पूजा के बाद पुजारी ने शिल्पा के साथ फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट करी और फोटोज क्लिक कराते हुए पुजारी ने शिल्पा के गाल पर किस कर दिया। अगले ही दिन वो फोटो लीक हो गई और शिल्पा शेट्टी न्यूज की हेडलाइंस में आ गई। शी डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन द होल सिनेरियो। तीसरा नाम जो सामने आता है उसके बारे में कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीका सिंह और राखी सावंत की। मीका सिंह की बर्थडे पार्टी में बहुत से स्टार्स मौजूद थे जिनमें राखी सावंत भी शामिल थी। पार्टी के चलते हुए और दारू के नशे में मीका ने राखी को अचानक से किस कर दी। ताज्जुब की बात ये थी कि वहाँ उसी पार्टी में राखी के बॉयफ्रेंड अभिषेक भी मौजूद थे। अगले ही दिन राखी ने मीडिया में आके इस बात का बहुत बड़ा बवाल बनाया और इस खबर ने काफी कंट्रोवर्सी भी बटोरी। वैसे तो वेस्टर्न कल्चर और कंट्रीज में किस करना आम बात है, लेकिन अगर आप यूएस के प्रेसिडेंट हैं तो आपका न्यूज में आना लाजमी है। चौथा नाम जो है वो है यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा का। बराक ओबामा के बास्केटबॉल के शौक के बारे में तो सभी जानते हैं, तो एक बार जब वो बास्केटबॉल की सीरीज देखने गए वहाँ उन्होंने अपनी वाइफ को अपने बच्चों के सामने स्मूट कर दी और इस खबर को भी फैलने में चंद समय ही लगा। आखिर यूएस का प्रेसिडेंट होना कोई छोटी बात तो नहीं है।